बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता फूड्स में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। अभी जी मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई चिकन, और कढ़ाई चिकन बनाने के लिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, और यहाँ पे हमने एक अदद प्याज काट लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है और बीच में हमने प्याज ऐड कर दिया है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज हो चुके हैं ब्राउन, अभी हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जिंजर गार्लिक की पेस्ट। इसको एक दो सेकंड हम कुक करेंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अभी हम ऐड करेंगे आधी चम्मच जीरे की, और साथ ही हम ऐड करेंगे दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायचियाँ। इनको एक दो सेकंड हम कुक करेंगे, उसके बाद फिर चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 kg चिकन लिया था, चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अभी हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। चिकन को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है अच्छे तरीके से कुक करना है। चम्मच आप बराबर चलाते रहें। चिकन को हमने अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अभी हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी की, एक चम्मच हम डालेंगे सूखा धनिया पाउडर की, और आधी चम्मच डालेंगे रेड चिली की। अभी हम अच्छे से मिक्स करते हैं, और साथ हम डालेंगे एक दो ड्रॉप पानी के। साथ ही हम डालेंगे आधी चम्मच नमक की, अभी हम ऐड करेंगे आधा टिन टमाटरों का, अभी हम डालेंगे 3 चम्मच योगर्ट के, साथ अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि लंच वगैरह ना बन जाए। तेज तेज चम्मच चलानी है। अभी हम ऐड करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चे एंड जिंजर। कढ़ाई चिकन बिल्कुल रेडी है। हम इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, और उसके बाद हम चूल्हा ऑफ कर देंगे, डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की कढ़ाई चिकन की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सब फ्रेंड से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आसानी से आप सब लोगों को मिलती रहे, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।